अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्लैक टी, जिसके लिए हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून पुदीना के पत्ते लिया है और दो तीन अदरक के बड़े बड़े टुकड़े लिया है, जिसे हम मोटा मोटा कूट के इसमें चाय में डालने वाले हैं। और चुटकी भर नमक लगेगा हमें, और एक बड़ा आधे में का थोड़ा सा छोटा नींबू, जो टोटल 1 टेबल स्पून रस रहेगा इसका। 1 टेबल स्पून हमें नींबू का रस लगेगा। ये हम 2 कप के हिसाब से बना रहे हैं ब्लैक टी। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी टी रहती, बहुत ही टेस्टी रहती है टी। और दो दालचीनी के टुकड़े और 2 इलायची लिए हमने, जिसे हम मोटा मोटा कूट लिए। और बिल्कुल आधा टीस्पून पत्ती लिया हमने, और इसमें हम 1 टेबल स्पून, अगर आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं। हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं, और अगर आप गुड़ नहीं डालना चाह रहे तो आप हनी या शक्कर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम भगोने में पानी डाल देंगे। सबसे पहले हम ये पुदीना और अदरक को हमने रफली कूट लिया है, फिर उसे डाल देंगे। फिर उसके बाद ये जो पत्ती रखा था हमने, ये पूरी डाल देंगे। ये नमक डाल देंगे, और ये गुड़ भी डाल देंगे, और ये दालचीनी और इलायची को हमने मोटा मोटा कूट लिया है, वो भी इसे हम डाल देंगे। फिर औटने के बाद हम आखिर में नींबू डालेंगे। ये चाय हमारी 2-3 मिनट हो गए, इसके बाद अच्छे से बॉइल हो रही है। इसमें हम नींबू डाल देंगे, ये हमें इसी में डाल देना है औटते वक्त ही। बहनों, अगर आप गुड़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं, शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, या आखिर में हनी भी डाल सकते हैं। ये चाय बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्किन के लिए ये भी बहुत अच्छी है। रात में सोते वक्त पी है, या आप निहार पेट भी पी सकते हैं। बस लीजिए, ये हमारी ब्लैक टी तैयार है।